press the bell icon on the YouTube app and never. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक दमदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार निम्रा अहमद को, उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी, हिंदुस्तानी शेरनी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़े लाइक खान जी, जो कि ना सिर्फ बात करेंगी पाकिस्तान की बल्कि पाकिस्तान के लाहौर शहर में दिन दिहाड़े एक महिला के पीछे जिहादियों की भीड़ पड़ गई, उनकी जान के पीछे हाथ धोके पड़ गए और लगे सर तन से जुदा के नारे। तो इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, ये काफी इंटरेस्टिंग होगी, तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपकी इसी लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। ये वही है आपका टीम सरेआम, उसने पकड़ा था एक मौलवी साहब को जो सिगरेट के धुएं से महिलाओं का, मुसलमान औरतों का जिन्नात भगाते हैं। ये ज्यादा दिन की बात नहीं है, 2 महीना पहले की बात है। टीम सरेआम का ग्रोह चुगली पीर की आस्था पर छापा, सिगरेट के धुएं से जिन्नात जलाकर राख हो जाते हैं, ये उन्होंने पकड़ा। और जब बोला कि भाई तुम सिगरेट के धुएं से ये औरतों को नंगा क्यों कर रहे हो, तो फिर वो पीर साहब क्या बोल रहे हैं, मैं तुझे भी जला के राख कर दूंगा, तेरे ऊपर जिन्नात है। जब पिटाई पड़ी है तब पता चला कि वो औरतों का मजा लेता था। उसके बाद फिर लाहौर में एक तफ्तीश हुई, सलमान कुरैशी नाम का एक आदमी जो खवातीन को जादू के जरिए नंगा करके हवस पूरी करता था और इंसानी खून और हड्डियां जला करके इंतहाई शर्मनाक काम करते, रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद बाबा ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि वो अपने सेक्सुअल डिजायर्स बहुत सारी औरतों के साथ पूरा करता। ये लिखवा, ये मेरी हैंडराइटिंग। अब देवबंद जमात के कुछ मौलाना मेरे पीछे पड़ गए और कुछ मुसलमान बेहुदा बदतमीज आवारा लफंगा कुछ मुसलमान मर्द मेरे पीछे पड़ गया कि अरे नाजिया ने अरबी में लिख दिया है, अपने जिस्म पर टैटू बना दिया। तो सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि पूरे अल कुरान में टैटू का कहीं जिक्र नहीं है कि टैटू हराम है या हलाल, कोई जिक्र ही नहीं। अब आती है दूसरी बात कि मैं अल्लाह को मानने वालों में से हूँ, मैं मुल्ला को मानने वाले में से नहीं हूँ, मैं किसी भी दलाल की जरूरत, किसी भी दल्ले की जरूरत, मुल्ला नुमा दल्ले की जरूरत नाज़िया लाई खान को नहीं है। मैं ना सही अल बुखारी मानती हूँ, ना शरिया मानती हूँ और ना ही बहिश्ती जेवर मानती हूँ, मैं सिर्फ कुरान को मानती हूँ। इसके अलावा मैं किसी भी बदतमीज मुल्ला के और बेहुदा मुल्ला के लिखे हुए किताब को मैं नहीं मानती। इसमें लिखा हुआ है उम्मी हतियतुम मिनल्लाह और मेरी माँ का नाम लिखा हुआ है। अरबी एक भाषा है जिसको मैं अरबी भाषा बोलना लिखना पढ़ना जानती हूँ, तो मैंने अरबी में लिखा है उम्मी हदयतुम मिनल्लाह, मेरी माँ का नाम यास्मीन। इसका मतलब होता है कि मेरी माँ मेरे लिए फरिश्ता है और मेरी माँ का नाम लिखा। अब मैं आपको बताती हूँ कि एक आदमी, जाहिल आदमी, एक चिटिंगबाज मौलाना चला गया दुबई। दुबई में एक दीवार पर लिखा हुआ था बैतुल खुला, वो उसको चूमने लगा। बगल से एक आदमी आया जो शेख था, वो बोला तुम इसको चूम क्यों रहे हो, तो बोला आयत लिखा हुआ है। वो हंसने लगा, तो जाली बेहुदा मौलाना बोला आप हंस क्यों रहे हैं, मैं तो अल्लाह के आयतों का, मैं यहाँ पर दीवार पे लिख दिया गया है तो मैं उसको चूम करके उसकी इज्जत अफजाई कर रहा हूँ। तो वो शेख बोल रहा है कि लिखा हुआ बैतुल खुला, तो बोला हाँ मैंने पढ़ा है बैतुल खुला लिखा हुआ है, तो बोला इसका मतलब समझते हो, तो बोला आयत है कुरान की, बोला नहीं टट्टी करने की जगह, मूतने की जगह लिखा हुआ है, हगो जाकर के अंदर में, मूतो जाकर के अंदर में, यही लिखा हुआ है। जैसे इंग्लिश में रेस्ट रूम लिखा रहता है तो जाहिल मुसलमान वहां सोने के लिए चला जाएगा, हालांकि उसमें मूतने की जगह होती है रेस्ट रूम, वॉशरूम ना लिख करके बहुत एडवांस अंग्रेजी में रेस्ट रूम लिखा जाता है। तो उसी तरह जितने भी मुस्लिम ममालिक है वहां बैतुल खुला लिखा जाता है, तो टट्टी करने की जगह को वहां जहां पर लिखा हुआ है वो बैतुल खुला को चूमने लगा। तो ये है पाकिस्तान और भारत के बेहुदा अश्लील मुसलमान। आप ना तरक्की कर सकते हैं, ना आप फल फूल सकते हैं, ना आप आगे बढ़ सकते हैं, ना ही पाकिस्तान कभी भी इकोनॉमिकली रिफॉर्म कर सकता है, ना ही एडुकेशन में आगे बढ़ सकता है, ना ही
किसी भी इंटेलेक्चुअल फील्ड में पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है, क्योंकि आपकी मानसिकता, आपके पाकिस्तान देश के मर्दों की मानसिकता औरत के ब्लाउज और सलवार में ही अटकी रहती है। और भारत में रह रहे ये चटंगबाज मुसलमान, इनकी भी मानसिकता औरत के ब्लाउज और सलवार में ही अटकी रहती है। इसकी मैं एक छोटी सी मिसाल आपको दे देती हूँ। हमारे यहाँ सहारनपुर में दारुल उलूम चलता है देवबंद जमात का, जो सुन्नी मुसलमान होते हैं। उन्होंने अपने फतवे में 2 साल पहले कहा था कि बाप और बेटी अकेले घर में ना रहें, आपके यहाँ भी होता होगा, भाई और बहन अकेले घर में ना रहें, क्योंकि मर्दों का नफ्स बहुत कमजोर होता है। इसका मतलब ये होता है कि मौलाना अरशद मदनी, जो दारुल उलूम भारत के दारुल उलूम के सरबरा हैं, उनके हिसाब से मुसलमान बाप अपनी बेटी का सलवार उतार सकता है अगर अकेले बेटी मिल गई तो घर में, और मुसलमान भाई अपनी बहन का चड्डी उतार सकता है अगर अकेले मिल गई बहन तो। ये मौलाना अरशद मदनी, जो दारुल उलूम देवबंद जमात के जो सरबरा है, जो सबसे बड़े मौलाना है, ये उनका कहना है भाई, ये मेरा कहना नहीं है। उन्होंने साफ एक्सेप्ट किया है कि मुसलमान मर्दों का नफ्स कमजोर होता है, बेटियां भी अकेले ना रहे बाप के साथ, बहने भी अकेले ना रहे भाई के साथ। तो मुसलमान मर्द के बारे में जब इतने बड़े बड़े मौलाना कह रहे हैं कि मर्दों का नफ्स कमजोर होता है, तो गलती इस बिचारी औरत की नहीं है जिसने एक डिजाइन वाला कुर्ता पहन लिया, गलती इस औरत की नहीं है जो ये कुर्ता पहन करके बाजार में निकल गई। हाँ, गलती उसकी ये है कि इस औरत का फिगर बड़ा भरा भराया है। गलती इस औरत की ये है कि इस औरत ने कुर्ते के ऊपर हिजाब नहीं डाला है, और हिजाब पहनाते मुसलमान मर्द इसलिए हैं औरतों को, मुसलमान औरतों को, ताकि उनके ब्रेस्ट पर उनकी नजर ना जाए, उनके अगाड़ और पिछाड़ पर उनकी नजर ना जाए, और उनकी सुरबुराहट स्टार्ट ना हो जाए। गलती हमारी नहीं है कि हम औरत पैदा हुए, गलती हमारी ये है कि हम जब बड़े होते हैं तो हमें ब्रेस्ट आता है और हमारा बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो मुसलमान मर्दों को आकर्षित करता है। ये हमारी सबसे बड़ी गलती, इसीलिए मुसलमान मर्द इस बात का फतवा जारी करते रहते हैं कि हम हिजाब में लिपटे रहे, नहीं तो रास्ते चलते चलते वो बलात्कार करेंगे, वो रास्ते में घूमते घूमते औरतों को नंगा करेंगे। और इस बात की तस्दीक, इस बात का क्लैरिफिकेशन आपके पाकिस्तान के इस्लामिक प्रीचर भी करते रहते हैं, और हमारे भारत के दारुल उलूम के अरशद मदनी भी हर वक्त करते रहते हैं, और बार बार बताते रहते हैं औरतों को कि मुसलमान मर्दों का नफ्स इतना कमजोर होता है कि वो कुत्तों की तरह रिश्तों को नहीं समझते हैं, बस झपटना जानते हैं मुसलमान मर्द। बिल्कुल सही है मैम, थैंक यू सो मच, आपने टॉपिक को बहुत अच्छे से इलेबोरेट किया। और जो हरकतें पाकिस्तान और भारत में हो रही हैं, ऐसी मैंने कभी नहीं सुना कि सऊदीया ने किया या दुबई ने किया है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से माइनॉरिटीज को भी ट्रीट करते हैं और उनका इमेज कोई खराब तो नहीं है पूरी दुनिया में, जितना हम लोगों ने अपना और अपनी ही हरकतों की वजह से जो है वो बना रखा है। उसमें तुमको समझना पड़ेगा, अल कुरान ने हर एक बेहूदगी का जो पनिशमेंट दिया है सऊदी अरबिया वो कर देता है, कोई रेप करेगा तो उसको मुअज्जब कर दिया जाएगा, गलत आंखों से औरत को देखेगा तो उसकी आंखें निकाल दी जाएंगी, कोई ऐसे छुएगा तो उसका हाथ काट दिया जाएगा, कोई गाली गलौज करेगा औरतों को तो उसकी जुबान काट दी जाएगी। तो वो उसकी सजा इस्लाम के हिसाब से ही दे देते हैं, इसलिए उनकी हिम्मत नहीं होती है बेहूदगी मचाने की। अब हमारे भारत में और आपके पाकिस्तान में ये जितने इस्लामिक प्रीचर जो लुंगी के अंदर चड्डी नहीं पहन करके बैठ जाता है, इतना अश्लील होता है, और इनको सजा भी कोई नहीं देता है, और सजा नहीं देता है तो सारे लफंदरों को, सारे बंदरों को, सारे कुत्तों को जगह मिल जाती है, चलो हम भी कर लेंगे, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसलिए सऊदी अरबिया बहुत बैलेंस्ड है। बिल्कुल सही है मैम, थैंक यू सो मच, आपने टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। उम्मीद करती हूँ हमारे व्यूवर्स को आपकी राय पसंद आई होगी, और यहीं पर इस प्रोग्राम को एंड करती हूँ, फिर मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़, थैंक यू सो मच। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह नाज़िया लाई खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा, और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे नाज़िया खान जी ने ना सिर्फ पाकिस्तान को जमकर लताड़ा, बल्कि जो जिहादी, जो शांति दूत भारत और पाकिस्तान दोनों में रहते हैं,
उनके भी जम के बैंड बजाई और आपने देखा जो इंसिडेंट अभी लाहौर में हुआ जहां पे दिन दिहाड़े एक औरत के पीछे पूरी जिहादियों की भीड़ पड़ गई, उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने एक कुर्ती पहनी थी जिसमें अरबी में हलवा लिखा हुआ ना कि कोई कुरान की आयत लिखी हुई थी, फिर भी आपने देखा जिहादी उसके पीछे पड़ गए। दिन दिहाड़े उसे कुर्ती उतारने को कहा गया वरना सरतन से जुदा की धमकी दी गई और उस औरत ने रोते हुए पूरी भीड़ से माफी भी मांगी और आपने देखा नाजिया खान जी ने बात की दियोबंद वालों की, जहां पे भारत में एक तरफ ये जिहादी ये दियोबंद वाले गजवा हिंद के फतवे जारी कर रहे हैं वहीं पाकिस्तान में एक आम आदमी का भी जीना दुश्वार कर दिया है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी और इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद जय भारत।